ऑल राइट गाइस, तो आज विटामिन सी के बारे में बात करने वाले हैं एंड सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। लेट्स अनबॉक्स दिस। तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था एंड पैकेजिंग तो अमेजोन की आपको पता है अच्छी ही होती है। उसको खोल लेते हैं फटाफट। ओके तो खोल लेता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पेपर है, अमेज़ॉन का बिल है। इफ़ यू वांट यू कैन सी दिस, अराउंड 360 रुपीज़ का है। एंड इसके अंदर एक और लेयर ऑफ पैकेजिंग है। गुड, मतलब काफ़ी काम किया पैकेजिंग पे। तो इसको भी खोल लेते हैं। इसको भी खोल दिया हमने एंड दिस इज़ आवर प्रोडक्ट एज यू कैन सी। लेट मी जस्ट रिमूव इट एंड लास्टली बबल रैप है इस पर जो टेप से सिक्योर्ड है, उसको भी हम खोल लेते हैं। पैकेजिंग इज़ गुड, थम्स अप ऑफ टॉप पैकेजिंग। वैसे अमेजोन हमेशा यूजली अच्छी पैकेजिंग ही करते हैं, दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रेफर अमेजोन। सो दिस इज द पैकेजिंग एज यू कैन सी, विटामिन सी टैबलेट्स 500 mg। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लग रही है मेरे को फॉर अ मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट। एनरिच विद विटामिन सी 120 टैबलेट्स, इसमें 120 टैबलेट्स है एंड इसका न्यूट्रिशन लेबल भी आप देख सकते हैं। MRP 65 लिखी है इस पर 15 टैबलेट्स। तो 15 टैबलेट्स की MRP है 65 रुपीज़, जैसा कि मैंने वीडियो मेंशन किया है। ये सब चीज़ें खोल लेते हैं इसको भी हम। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 3, 5, 15 15 टैबलेट्स है उसमें। 6, 7, 8 स्ट्राइप्स है, मतलब 15, 8, 120 टैबलेट्स हमारे पास टोटल। दैट्स द अनबॉक्सिंग गाइस। ओके गाइस, आई होप आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी। प्रोडक्ट ये रहा मेरे सामने, तो अनबॉक्सिंग कर लिए। इसके बाद अब इसके बारे में, इसकी डोजेजेस कितने टाइम तक लेनी है, कैसे लेनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, इसकी अराउंड 15 टैबलेट 60 रुपीज़ की है। तो एक टैबलेट भी 4 रुपये की, 4 रुपये की एक टैबलेट है, मतलब आपको दिन का कॉस्ट हार्डली 4 रुपये आएगा। अगर आपको महीने का करना है तो 120 रुपये ही आएगा। तो आई वुड से इतनी महंगी तो नहीं है, बहुत ही सस्ती है। एंड अगर आपको इसके जो बेनिफिट्स है उसको देखा जाए एंड करंट सिचुएशन को जैसा देखा जाए जो वर्ल्ड में चल रही है, तो आई हाईली रिकमेंड कि हमें लेनी चाहिए। तो इसके बारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में इसमें लिखा है कंपोजिशन है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ नथिंग बट विटामिन सी ओनली, सोडियम एस्कॉर्बेट एंड ये सब चीज़ें, मतलब बेसिकली इसके विटामिन सी ही है। उसके जो केमिकल नेम्स है वो लिखे हुए हैं। विटामिन सी के कई फायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। हमारे स्किन का जो पिगमेंट होता है, जो कोलाजिन होता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम अपनी स्किन पर भी नॉर्मली इसकी टैबलेट्स खोल के भी रब करें, विटामिन सी के सिरम्स भी आते हैं, अगर उसको अपनी स्किन पर भी रब करें तो हमारी स्किन पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको विटामिन सी के सिरम्स के रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगा। बाकी जो अगर आपको खरीदने तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में विटामिन सी सिरम्स के। एंड विटामिन सी का सबसे बेस्ट फायदा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इम्यूनिटी का। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी दूसरी बीमारियों से। ब्लड सेल्स का रोल क्या होता है, दूसरी जो बीमारियाँ होती है, फॉरन बीमारियाँ, डिसीज, बैक्टीरिया, इनसे हमें फाइट ऑफ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो विटामिन सी क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड उनको हमारे उससे हमारा डिफेंस जो होता है बॉडी का स्ट्रांग हो जाता है बाकी बीमारियों के खिलाफ। एंड यू वुड नो कि अगर आप ऑलरेडी बीमार है, वायरल है, आपको बैक्टीरियल हो रखा है, एंड देन आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अलग अलग टाइप के डिजीजेज और कैच करने के लिए। तो इट्स बेस्ट क्या होती है, विटामिन सी की इनटेक बॉडी में मेंटेन रखे। एंड इवन हमारी बॉडी में जो आयरन जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन सी की काफ़ी एसेंशियल नीड होती है। अगर आप इसकी पैकेजिंग भी पढ़े, इसमें लिखे हुए बेनिफिट जैसे गम प्रोटेक्शन, हमारी गम्स में हेल्प करता है, सपोर्ट्स बोन हेल्थ भी हेल्प करता है, बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रमोट्स ग्लोइंग स्किन, जैसे कि मैंने कहा वो इसके सारे बेनिफिट्स हैं। इसका टेस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी डोजेज की बात करेंगे। तो ये मैंने इसकी टैबलेट एक खोल ली है, ऑरेंज सा कलर है एंड ऑरेंज फ्लेवर है। इसमें और फ्लेवर्स भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, बट ऑरेंज मेरे को ठीक लगा। तो ये च्यूई फॉर्म है, मतलब आपको उसको पानी के साथ नहीं लेना है, डायरेक्ट कट नहीं मारना, डायरेक्ट उसको च्यू भी कर सकते हैं टॉफी की तरह। तो एक ऑरेंज टॉफी जैसे ही है, कटा कटा टेस्ट है, हल्का मीठा भी है, तो ऑरेंज टॉफी जैसे ही है, बहुत अच्छा टेस्ट है, दिन की एक ही लेनी है।
आप इसको टॉफी वगैरह भी खा सकते कभी भी. या इट वॉज गुड. सो दैट वॉज फ्रॉम द टेस्ट टेस्ट. अब लास्टली इसका डोजेज देख लेते हैं. डोजेज बहुत सिंपल है गाइस. देखो हमें अगर दिन का हम 50 से 100 mg भी लेते हैं विटामिन सी तो इनफ होता है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज एक टैबलेट में 500 mg विटामिन सी है. अलग अलग टाइप का है. बट अगर हम दिन का एक कैप्सूल भी ले कभी भी खाने के बाद सुबह दिन शाम रात कभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कभी भी खाने के बाद एक वाली टैबलेट ले सकते हैं. दिन की एक लेनी है, एक से ऊपर नहीं जाए तो बेटर है. वैसे तो इनके रिजल्ट्स को हमें काउंट करना बहुत टफ होता है बट इट्स बेस्ट कि देखो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है हम डाल के कर सकते हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे 120 रुपये भी नहीं देने यार, मैं भी रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले ना सप्लीमेंट्स या कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा चीज़ों से लेने से पहले हमें अपनी डाइट में पूरा करने चाहिए. तो डाइट में आपको सबसे पहले पता चलेगा संतरा. संतरा में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है. तो संतरे में अराउंड 40-50 mg तो होता ही है मेरे ख्याल से. लेकिन संतरे से ज़्यादा आपको कैप्सिकम में मिल जाएगा. आप कैप्सिकम भी खा सकते हैं, पेपर्स जो होती है. एंड मैं इधर एक लिस्ट दिखाता हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है जिसके अंदर होती है. इस लिस्ट में आता है हमारा ग्रीन पेपर्स. ग्रीन पेपर्स के अंदर काफ़ी अमाउंट होता है. हमारा लेमन के अंदर, लाइम के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, ब्रोकली के अंदर, ऑरेंज के अंदर, ग्रीन चिली. ग्रीन चिलीज मेरे को बहुत पसंद है, उसके अंदर भी बहुत होता है. तो आप ये सब खा सकते हैं. सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी एंड मेरे को सबसे बेस्ट अमेजोन पे यही लगा, प्राइस वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी एंड रिव्यू वाइज भी. अगर इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करना है कि तो मैंने इसके रिव्यूज में पढ़ा था इसके अंदर टैल्क यूज़ होता है. टैल्क क्या होता है? बेसिकली जब हम लार्ज स्केल में मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं तो टैल्क लोग मशीन्स में यूज़ करते हैं. जैसे जो कंटेंट होता है मेडिसिन का वो चुपके ना मशीन से. तो FDA ने तो कहा इट्स ठीक है, तुम यूज़ कर सकते हो. तो लेकिन इसके में कहीं लिखा हुआ नहीं है टैल्क कितना अमाउंट यूज़ किया गया है. तो ये आप कह सकते हैं कि कंप्लीटेड डिस्क्लोजर नहीं है इसके अंदर. बाकी तो मेरे ख्याल से नेग्लिजिबल अमाउंट ही यूज़ होता है, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा. बट आपको स्टिल अगर आपको डर लग रहा है तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि ऑल्टरनेटिवली आप कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं विटामिन सी, आप उसको कंज्यूम कीजिए. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द रिव्यू गाइस. आई होप इसको आपने पसंद किया होगा एंड आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.